कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों देश भर में सुर्खियां बटोर रही है और आने वाले 4 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। उसी यात्रा में लोगों को आमंत्रित करने के लिए बाड़मेर यूथ कांग्रेस और बाड़मेर कांग्रेस द्वारा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है बाड़मेर जैसलमेर 2 जिलों में 2 दिन की बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसको लेकर आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और बाड़मेर के जिला प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और ये जानकारी दी है कि किस तरीके से बाइक यात्रा निकलेगी, कहां से निकलेगी, पूरी बात इनसे जानते हैं। अध्यक्ष साहब, किस तरीके की यात्रा बाइक यात्रा निकाल रही है कांग्रेस पार्टी? भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में उनका आमंत्रण देने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए रणव बाखासर से लेकर के सम तक 2 दिन की यात्रा निकल जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हो रहे हैं। लगभग 1000 मोटरसाइकिल के उसमें शामिल होगी और जिले के सभी वरिष्ठ नेता और प्रदेश से भी कई लोग इसमें शामिल होंगे। अच्छा सर, लोगों से किस तरीके से क्यों आह्वान किया जाएगा कि आप इस यात्रा में क्यों जुड़े, लोग क्या कहा जाएगा उन लोगों? देखिए, भारत में इस समय बड़ी असमंजस की स्थिति है। संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, भारत के बड़े बड़े जो उपक्रम थे वो बेचे जा रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई और जो लोगों में अविश्वास पैदा हो रहा है उसको देखते हुए लोगों में ये समझाइश पैदा की जाएगी, लोगों में ये जागृति लाई जाएगी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप इसमें सजग रहें और जागरूक होकर के देश के साथ जुड़े रहे। सर, क्या टारगेट मिला है इस यात्रा में बाड़मेर से लोगों को ले जाने के लिए, क्योंकि आप बाड़मेर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, तो किस तरीके से पार्टी की ओर से आपको निर्देश मिलेगा कितने लोगों को जोड़ना है, कब तक उनके साथ यात्रा के साथ रहना है और यात्रा ये राजस्थान में कितने किलोमीटर? लगभग एक दिन बाड़मेर के लगभग 4,000 से 5,000 लोग कहीं ना कहीं एक जिले में शामिल होंगे और उस दिन वो लोग वहाँ रुकेंगे भी और उस यात्रा में शामिल भी होंगे। टारगेट पार्टी की ओर से क्या है, कितने लोग विधानसभा वाइज टारगेट मिला है या किस तरीके से? जिले से लगभग 4,000 से 5,000 लोग एक साथ? हाँ, एक साथ जाएंगे। अच्छा प्रमुख साहब, लोगों को जब यात्रा निकलेगी, बाइक की रैली निकलेगी, तो उसका कहाँ कहाँ रुकेगी और किस तरीके से लोगों को कहा जाएगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस यात्रा में शामिल हो? सबसे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज पहुंचाने के लिए इसीलिए यहाँ आज आपको बुलाया गया है और पूरे जिले के अंदर यूथ कांग्रेस के और तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के और समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों को उनको आमंत्रित किया गया है कि इस रैली में भाग लें और बाकासर से शुरू होगी और समापन जैसलमेर जिले में। सर, कितने किलोमीटर तक ये बाइक रैली होगी और उसमें कितने लोग शामिल होंगे पार्टी? लगभग 400 किलोमीटर लंबी यात्रा है और जिसके अंदर 1,000 से 1,500-2,000 लगभग बाइक्स सम्मिलित होंगे। तो हमारे साथ यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो हैं उनसे हम बात करेंगे, लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो 4 दिसंबर को यहाँ आएगी उसको लेकर बाड़मेर बाकासर रण से सम तक यात्रा बाइक रैली निकाली जाएगी, क्या पर्पज है और किस तरीके से यूथ कांग्रेस में काम? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा क्या है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई 7 सितंबर को राहुल जी के नेतृत्व में, वो 3,570 किलोमीटर पूरे करेगी जो अब तक के लिए भारत में जो यात्राएं निकली है उसमें से ये एक सबसे बड़ी यात्रा है। और आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया तो दिखा नहीं रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा आपने, हजारों की संख्या में उनके साथ लोग चल रहे हैं। सुबह 6 बजे निकलते हैं तभी हजारों की संख्या में और रात को 7-8 बजे रुकते हैं तभी उनके साथ लाखों हजारों की संख्या में। अभी तक कई लोगों ने भ्रम फैलाया था शुरू शुरू में कि यात्रा सिर्फ एक ढोंग है और राहुल जी गाड़ियों में चल के चलेंगे वो चलेंगे। मेरे हिसाब से आज के समय में भारत में ऐसा कोई नेता नहीं जो दिन में कम से कम 20 से 25 किलोमीटर चले, और जो लोगों ने भ्रम फैला रखा है सोशल मीडिया में राहुल जी के बारे में वो उन्होंने तोड़ दिया है और ये लोगों ने स्वीकार भी कर लिया है। जिस तरह से उनके प्रति जो आज के समय में नेगेटिव चीज़ें लिखते हैं तो नीचे कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, तो बिल्कुल राहुल जी के पक्ष में लिखते हैं वो लोग। और ये यात्रा अभी 4 दिसंबर को सुबह से राजस्थान के अंदर शुरू करेंगे, उसको लेके कांग्रेस के मुख्य कांग्रेस निर्देश के अंदर बैनर तले हमारे यूथ कांग्रेस के एक बाइक रैली निकाल रहे हैं हम बाकासर से लेके सम तक, जो 2 दिन की होगी, 1 तारीख को शुरू करेंगे 1 दिसंबर को और 2 दिसंबर को समापन है इसका। कौन कौन इस रैली में शामिल, आपकी यात्रा में बाइक रैली में कौन शामिल होने वाले? बाइक रैली के अंदर 6 MLA हमारे यहाँ जिले से, उन 6 MLA से बात हुई है, एक मंत्री जी और 6 MLA, हिमाराम जी ने भी स्वीकृति दी, वो जरूर रहेंगे और साथ में चलेंगे। हरी जी ने भी कहा है वो 2 दिन साथ चलेंगे और अमीन साहब
पद्माराम जी, मदन जी, मेवाराम जी सबसे मिलके भी आए, कहीं से फोन से भी बात हुई है, तो सबने सहमति जताई और उन्होंने मदद भी की है अपने कार्यकर्ताओं को, और भी बोला है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेके इस रैली को सक्सेस। कितने बाइक होगी इस रैली, पूरी रैली? हम टारगेट तो 1000 का लेके चल रहे थे, पर जिस तरह से उत्साह और लोगों का मन है रैली मारने का, तो ये 1500 से 2000 बाइक। अच्छा, लोगों से कैसे जुड़ेंगे आप, कैसे लोगों से बताएंगे क्या आपका कार्यक्रम, किस तरीके से लोगों को क्यों किस तरीके से आह्वान करेंगे कि आप इस यात्रा में शामिल होंगे? लोगों के पास भी गए हम लोग, और सबसे बड़ा माध्यम आपका ये मीडिया है, आपसे आग्रह करते हैं आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए और इस यात्रा में जुड़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। ये एक पॉलिटिकल रैली नहीं है, इसमें जो आज के समय में भारत के अंदर आर्थिक वर्गीकरण हो रहा है, सामाजिक वर्गीकरण हो रहा है, जो सांप्रदायिक चीजों के लेके आपस में लड़ा रहे हैं, उसके प्रति लोगों को जागरूक करके जो टूटता हुआ भारत है उसको जोड़ने का प्रयास करें। निश्चित रूप से बाड़मेर में 1 और 2 दिसंबर को बाकासर रन से सम तक, बाड़मेर जैसलमेर दोनों जिलों में 2 दिन तक बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने पूरी जानकारी दी।